सब इंजीनियर के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग से संबंधित 10+ MCQ क्वेश्चन। इसका पहला क्वेश्चन है, द फॉर्जिंग मेथड यूज्ड टू रिड्यूस द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली फॉर्जिंग विधि को क्या कहते हैं? इसका आंसर है फुल्लेरिंग विधि कहते हैं। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली फॉर्जिंग विधि को फुल्लेरिंग कहते हैं। द फॉर्जिंग मेथड यूज टू रिड्यूस द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड फुल्लेरिंग। डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, फुल्लेरिंग का मतलब होता है इट रिड्यूसेस क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड इंक्रीजेस लेंथ। जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है उसको रिड्यूस करता है और ये लेंथ को बढ़ाता है फुल्लेरिंग। फुल्लेरिंग किस टाइप से होती है? इस टाइप से होता है, आपको ये दिख रहा होगा, शाफ्ट है, शाफ्ट के बीच में एक टॉप फुलर है, यहाँ पर बॉटम फुलर है। टॉप फुलर और बॉटम फुलर के द्वारा इसकी जो एरिया है कम कर रहा है ये, और इसकी लंबाई को बढ़ा रहा है, तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये जो हो रहा है इसको हम फुल्लेरिंग बोलते हैं, फुल्लेरिंग प्रोसेस कहलाती है टूल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इन एन एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल द कंप्रेशन रेशियो इज 7 एंड द कंप्रेशन वेइंग 835 डिग्री सेंटीग्रेड, डिनोटेड एज T1 एंड द प्रेशर एज 0.1 MPa। द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द साइकिल इज 1100 डिग्री सेंटीग्रेड, डिनोटेड एज T3, टेम्परेचर T2 विल बी। इसमें एक एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल क्वेश्चन है ये। एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल में कंप्रेशन रेशियो जो दिया हुआ है वो 7 दिया हुआ है, और इसमें एक T1 का जो टेम्परेचर दिया 35 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, P1 जो प्रेशर दिया है 0.1 MPa दिया हुआ है, और मैक्सिमम टेम्परेचर जो T3 दिया हुआ 1100 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है। इसमें आपको T2 की वैल्यू निकालना है, सेकेंड टेम्परेचर की वैल्यू निकाल, जिसको ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें हमारे पास कंप्रेशन रेशियो दिया तो RC इक्वल टू 7 दिया है, T1 दिया 35 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको केल्विन में चेंज किया तो होगा 308 केल्विन, 35 में 273 को जोड़ देंगे 273 को तो 308 केल्विन आ जाएगा। P1 दिया है 0.1 MPa, तो 0.1 × 10^5 N/m इसको लिख सकते हैं। इसको T3 दिया है 1100 डिग्री सेंटीग्रेड, क्वेश्चन में दिया था, इसको केल्विन में चेंज किया तो 1373 केल्विन हो गया, 1100 + 373 कर देंगे 1373 केल्विन आ जाएगा। 273 को जोड़ देंगे 1100 तो 1373। कंप्रेशन रेशियो जो होता है इसका फार्मूला होता है वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन अपॉन वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन। कंप्रेशन के पहले का वॉल्यूम और कंप्रेशन के बाद का वॉल्यूम का जो रेशियो होता है उसको कंप्रेशन रेशियो बोलते हैं। ये हमारे पास जो है आइसेंट्रोपिक की कंडीशन है, आइसेंट्रोपिक की जो इक्वेशन होती है P = γ होती है, तो प्रोसेस 1 to 2 के लिए हम बताएंगे तो P1V1 = γ इक्वल टू P2V2 = γ रहेगा। इसको अगर हम चेंज करेंगे टेम्परेचर के फॉर्म में तो हम इसका फार्मूला हो जाता है T1V1 = γ-1 इक्वल टू T2V2 = γ-1। इसको हम लिख सकते हैं T2 इक्वल टू T1 × V1 / V2 = γ-1 हो जाएगा। यहाँ पर V1 / V2 जो होता है वो कंपेरिजन रेशियो होता है, तो RC लिख दिया यहाँ पर, तो T2 इक्वल T1 × RC = γ-1। T1 दिया था 308 केल्विन और कंपेरिजन रेशियो दिया था 7, तो 7 पुट कर दिया, गामा दिया हुआ तो 1.4 और -1 कर देंगे, तो इसका सॉल्व किया तो आ गया 670.745 केल्विन। ये हमारे पास टेम्परेचर आ गया T2, T2 इक्वल टू 670.745 केल्विन आ गया। तो हम टिक लगा दें इसमें, जो हमारे पास रहेगा सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा 670.8 डिग्री केल्विन, ये हमारे पास इसका आंसर जाएगा T2 की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द वर्टिकल फोर्स RB बाय फॉर द गिवन फिगर, एक डायग्राम दिया हुआ है, इसमें आपको वर्टिकल फोर्स निकालना है। डायग्राम दिया हुआ है ये वाला, इस डायग्राम में आपको दिया हुआ है एक ए पॉइंट है एक बी पॉइंट है, दोनों तरफ सपोर्ट लगा हुआ है, ऊपर ओवर हैंगिंग बीम है 10 kN/m से, और यहाँ पॉइंट लोड लगा हुआ है, जो ऊपर जो लोड लगा हुआ बेयरिंग लोड लगा हुआ है, और यहाँ पर 12 kN 10 का पॉइंट लोड लगा है, ये मूवमेंट है 3 kN। हमारे पास जो इस पॉइंट से ए पॉइंट तक की जो दूरी है वो 2 मीटर है, और ए से बी की जो लेंथ है वो 4 मीटर है, बी से लास्ट पॉइंट तक की बीम के लास्ट तक की जो लेंथ है वो 1 मीटर है।
ये आपको डायग्राम दिया हुआ, इस डायग्राम को सॉल्व करना है। इसमें आपको निकालना है आर बी बाय, निकालना है बी पॉइंट का रिएक्शन निकालना है। इसके लिए सबसे पहले थ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम ने बनाया तो हमारे पास ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, और इसके ऊपर हमारे पास जो बीम दी हुई है इसमें हमारे पास 10 किलोन्यूटन पर मीटर का वेरिंग लोड लगा हुआ है, 12 किलोन्यूटन का पॉइंट लोड लगा हुआ है। ए और बी पॉइंट दिया, इसका रिएक्शन बन जाएगी आर ए और आर बी। यहाँ से आखिरी हिस्से से सपोर्टिंग तक का जो लेंथ है वो 2 मीटर है, दोनों सपोर्ट के बीच की दूरी का है 4 मीटर, और बी से एंड पॉइंट तक का 1 मीटर है। ये इसका डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम में हम रिएक्शन निकालेंगे तो रिएक्शन हमारे इसमें आ जाएगी टोटल रिएक्शन इक्वल टू टोटल वर्टिकल फोर्स। तो आर ए प्लस आर बी, दो रिएक्शन है आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 10, ये वेयरिंग लोड है, इंटू 4 जितनी लेंथ है। तो 10 × 4 प्लस पॉइंट लोड कितना है 12 किलोमीटर, तो प्लस 12 कर दिया, तो आर ए प्लस आर बी इक्वल टू हो जाएगा 52 किलो न्यूटन। अब इसको ए के पॉइंट पे हम इसका बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। ए के फॉर्म में इसका जब बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे तो बेंडिंग मोमेंट क्या आ जाएगा, इस पॉइंट से लेंगे अगर तो आर बी रिएक्शन बी आर बी इंटू 4, ये लेंथ के बीच की, तो आर बी इंटू 4 आ जाएगा माइनस, ये अपोजिट लोड है तो -10 × 4 × 4/2। पहले हमारे पास 10 × डिस्टेंस, हमारे पास लेंथ हमारे 4 है, इसके बाद 4 का हाफ रहेगा तो 10 × 4 × 2 हो जाएगा। माइनस पॉइंट लोड है तो 12 × 4 और 1 5, दोनों को मिला करके लेंथ लिखेंगे 12 × 5 हो जाएगा, +3 किलोमीटर मीटर ये आपको दिया हुआ, तो +3 हो जाएगा = 0। इसको हम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे तो आ जाएगा हमारे पास आर बी इंटू 4 इक्वल -10 × 4 × 2 -12 × 5 +3 = 0। अब इसमें क्या हो जाएगा, 4 RB हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 80 बचेगा, यहाँ 60 बचेगा, +3 बचेगा, तो = 0 हो जाएगा। 4 RB इक्वल टू हो जाएगा 137, तो RB इक्वल टू हो जाएगा 34.25 किलो न्यूटन। आरबी की जब हम वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो यहाँ से हम आर ए निकाल लेंगे, तो आर ए इक्वल टू आ जाएगा 17.75 किलो न्यूटन। इस तरीके से हम रिएक्शन ए और रिएक्शन बी निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सिंबल जो दिया हुआ है इज यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ बेल्ट, कौन सी बिल्डिंग में इस सिंबल का इस्तेमाल होता है। इसका आंसर हो जाएगा सिंगल फ्लैट बेल्ट, बेल्ट में होता है इसका इस्तेमाल, इस वाले सिंबल का इस्तेमाल सिंगल फ्लैट बेल्ट में किया जाता है। डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है सिंगल सिंबल ऑफ फ्लैट बेल्ट, फ्लैट बेल्ट में इस टाइप का सिंबल लगाया जाता है, जैसे कि ये है फ्लैट बेल्ट सिंबल है, यहाँ पर हम टी ज्वाइंट का बना रहे हैं तो दोनों के बीच में बेल्डिंग जो कर रहा है सिंगल फ्लैट बेल्ट में आता है। ये जो फ्लैट बेल्ट होता है सिंबल, इस टाइप से सिंबल होता है सिंगल फ्लैट बेल्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द पीवी डायग्राम टू प्रोसेस ए सी बी एंड ए डी बी आर ड्रॉन एज शोन इन फिगर, गिवन फिगर फॉर पाथ ए सी बी इफ क्यू हीट गिवन टू द गैस 200 जूल एंड वर्क डन 80 जूल फॉर पाथ ए डी बी, इफ क्यू इक्वल टू 144 किलो जूल देन फाइंड द वर्क डन। इसमें दिया हुआ है एक पीवी डायग्राम में दिया हुआ है जिसमें दो प्रोसेस हो रही ए सी बी और ए डी बी, दोनों में हीट जो पाथ हीट इन हो रहा है, हीट दी जा रही है वो कितनी दी जा रही है 200 जूल, और वर्क डन इसमें हो रहा है 80 जूल 80, और पाथ एडीबी जो है उसका हीट जो है वो 44 जूल है, इसका वर्क डन निकालना है। पहले एसीबी का जो हीट हीट दी हुई है कितना दिया है 200 जूल 200 जूल, और हीट दिया वर्क डन दिया है 80 जूल, और इसमें पाथ एडीबी में हीट दिया है 144 जूल, और वर्क डन इसका निकालना है। ये डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग करना है। पी बी प्रेशर और वॉल्यूम का डायग्राम है, तो हमारे पास ए बी सी डी 4 पॉइंट दिया है, एक पाथ दिया हुआ है आपको ए सी बी और दूसरा दिया है ए डी बी, एक वन पाथ हो जाएगा ये 2 पाथ हुआ, दोनों पाथ का आपको हीट और वर्क दिया हुआ है। अब इसमें हमको इसमें निकालना पड़ेगा, ये क्वेश्चन में दिया हुआ फॉर पाथ ए सी बी में दिया है क्यू इक्वल टू दिया है 200 जूल, डब्ल्यू इक्वल टू दिया है 80 जूल, तो ये गैस के लिए यूज होगा। फॉर पाथ ए डी बी में हीट दिया है 144 जूल, वर्क इसका निकालना है।
इसको डिस्क्राइब करेंगे तो Q1 इक्वल टू दिया है, वन पाथ में Q1 इक्वल टू 100 जूल और वर्क W1 इक्वल टू दिया 80 जूल, Q2 इक्वल टू दिया है 144 जूल सेकेंड वाले पाथ में और W2 हमको निकालना है। तो हम इसमें करेंगे टोटल जो इंटरनल एनर्जी है ACB का और टोटल इंटरनल एनर्जी है ADB का निकालेंगे, तो Q1 माइनस W1 इक्वल टू Q2 माइनस W2 वैल्यू पुट कर देंगे तो Q1 की 200, W1 की 80, Q2 की 144। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा W2 इक्वल टू 24 जूल, इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ टेंसाइल स्ट्रेस एट अ पॉइंट अक्रॉस टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स इज 120 न्यूटन पर mm² एंड 60 न्यूटन पर mm² रेस्पेक्टिवली देन द नॉर्मल स्ट्रेस एक्टिंग ऑन द प्लेन। एक टेंसाइल स्ट्रेस में दो फोर्स दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है 120 न्यूटन पर mm², दूसरा दिया है 60 न्यूटन पर mm², इसका नॉर्मल स्ट्रेस निकालना है। इसलिए सॉल्व करेंगे, हमारे पास जो सिग्मा एक्स एक एक्स डायरेक्शन का दिया फोर्स कितना 120 न्यूटन पर mm², स्ट्रेस दिया एक सिग्मा वाई दिया है 60 न्यूटन पर mm² और एंगल दिया थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। नॉर्मल स्ट्रेस का फार्मूला हो जाएगा सिग्मा एन इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन टू इंटू कॉस टू थीटा, सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। सिग्मा एक्स कितना 120, सिग्मा वाई 60 अपॉन टू हो जाएगा प्लस सिग्मा एक्स 120 और सिग्मा वाई 60 माइनस 60 अपॉन टू और टू थीटा मतलब 180 डिग्री हो जाएगा थीटा रखेंगे तो। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सिग्मा एन इक्वल टू 90 माइनस 30 60 न्यूटन पर mm². नॉर्मल स्ट्रेस इसका आ जाएगा 60 न्यूटन पर mm। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें, इन अ वेंचुरीमीटर द डायमीटर ऑफ द पाइप इज 4 सेंटीमीटर एंड दैट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज 3 सेंटीमीटर व्हेन वाटर फ्लोज द हाइट ऑफ वाटर लेवल इन प्रेशर ट्यूब्स आर 15 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर द डिस्चार्ज रेट ऑफ पाइप विल बी टेक जी इक्वल टू 10 न्यूटन पर मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। एक वेंचुरीमीटर है जिसमें पाइप का डायमीटर दिया है क्रमशः, एक दिया है 4 सेंटीमीटर दूसरे का दिया है 3 सेंटीमीटर और इसमें जो वाटर का हाइट दी हुई है लेवल से वो 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसका हमको डिस्चार्ज निकालना है जहां पर जी इक्वल टू लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। इसके लिए सबसे पहले हम इसमें गिवन लिखेंगे, D1 इक्वल टू दिया है 4 सेंटीमीटर, D2 इक्वल टू दिया 3 सेंटीमीटर और G दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। इसको सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में लिखेंगे तो 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया है डायमेंशन डायमीटर का, तो इसलिए हम इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1000 हो जाएगा। तो H निकलेगा, इसमें दोनों हाइट का डिफरेंस निकाल लेंगे तो 20 माइनस 15 इक्वल टू 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। पहले का जब हम एरिया निकालेंगे तो हो जाएगा पाई बाई 4 D1 स्क्वायर, वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। A2 निकालेंगे पाई बाई 4 D2 स्क्वायर तो पाई बाई 4 × 3 का स्क्वायर करेंगे तो 2.25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा सेकेंड वाला एरिया। तो डिस्चार्ज निकालेंगे तो डिस्चार्ज आ जाएगा, डिस्चार्ज का फार्मूला होता है ये वाला QTH इक्वल टू A1A2 अंडर रूट 2GH अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। सबकी वैल्यू रख देंगे तो QTH इक्वल टू 4 पाई × 2.25 पाई × √2 × 5 × 1000 अपॉन अंडर रूट 4 पाई का स्क्वायर माइनस 2.25 पाई का होल स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 854.82 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये हमारे पास में आ जाएगा डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज को हम इस टाइप से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें हम टिक लगा देंगे ऑप्शन में, ये आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर 855 सेंटीमीटर बेस टू क्यू पर सेकेंड, ये आ जाएगा डिस्चार्ज।